नमस्कार दोस्तों, हम सर्किल के बारे में पढ़ रहे थे, अब आगे और पढ़ते हैं। सर्किल के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें थी, जो क्लास को स्टार्ट करी थी, वो चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको कहा था, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है सर्किल से रिलेटेड, तो अच्छे से देखते जाइएगा। और इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और डेली क्लास वाइज आपको नोट्स मिलते हैं, तो क्लास वाइज अपने नोट्स जरूर अटेंड करें, या फिर आप उन्हें बना लें, नहीं तो आप उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में लास्ट में हमने पढ़ा था, देखिए दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। व्यास रूप में हमने वर्त का समीकरण पढ़ा था, व्यास रूप में। थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ मैं भाई, वर्त का समीकरण तो वो क्या पढ़ा था हमने, x माइनस एच की फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, प्लस का वाई माइनस के की होल स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है व्यास रूप में। यहाँ से आप केंद्र निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, और एक जो व्यापक रूप में समीकरण था आपका एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस का सी बराबर जीरो। यहाँ से आपने केंद्र क्या निकाले थे, यानी इसमें दो का भाग देना है और माइनस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएंगे केंद्र के, माइनस जी और माइनस का एफ, ये हो गए केंद्र। ऐसे ही त्रिज्या क्या बनी थी, आर बराबर अंडरूट जी स्क्वेयर प्लस का एफ स्क्वेयर माइनस का सी, ये बनी थी त्रिज्या। फिर बाद में हमने बात की थी वर्त का जो मानक रूप है, वर्त का मानक रूप वो क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। ये देखिए यहाँ क्या है, मानक रूप का मतलब ये क्या है, मूल बिंदु से गुजरा है, यानी केंद्र के निर्देशांक जीरो कोमा। अगर जहाँ पर कोई भी इस प्रकार का टू जी एक्स यानी ए घात का पद नहीं हो एक्स रूप में, तो वो मूल बिंदु से ही आपका वर्त गुजरेगा, या फिर वाई का भी नहीं हो, दोनों साथ में नहीं हो, तो जीरो कोमा जीरो से वो गुजरने वाला है। तो ये हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा इसको लिखिए, फिर आगे अपन थोड़ा सा रिविजन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्राचलिक समीकरण के बारे में, वर्त का प्राचलिक समीकरण, यानी आर और थीटा के रूप में आपको इक्वेशन बताना है कि वर्त का कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें फॉर्मूले याद रख लिया करो साथ में, बस काम चल जाएगा अपना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक पैरामीटर, पैरामीटर या इसे ही आप कहेंगे प्राचलिक रूप में। देखिए मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कोई सर्किल है, देखो यार फीके चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर यानी आर और थीटा के रूप में आपको इक्वेशन बतानी है। ठीक है, यहां से हम मान लेते हैं ये क्या है आपकी दूरी आर है, ये क्या है थीटा है। ठीक है, अब इस रूप में आपको इक्वेशन बताना है कि किस प्रकार बनेगा, और ये पॉइंट जो पॉइंट है इसको मान लिया हमने पी एक्स कोमा वाई, और ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी वाई हो गई, ये क्या हो गई एक्स हो गई। ठीक है, अब आपको प्राचलिक रूप में देखिए सब कुछ पता है, यानी सबसे पहले तो अगर हम देखिए मूल बिंदु से गुजरता है तो समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, सही बात है। अब देखिए प्राचलिक रूप में आप जानते हैं, या इसे a मान लीजिए या r मान लीजिए, एक ही बात है, मैं a मान लेता हूँ एक बार के लिए, कि ये आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी a है, क्योंकि देखिए हमने ये वर्त का मानक समीकरण पढ़ा है, तो a हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो प्राचलिक रूप में हमने चीज़ें पढ़ी है, चूंकि x बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये सामने वाली भुजा लंब, ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब आधार और कर्ण में cos थीटा का संबंध होगा, तो x बराबर a cos थीटा, ऐसे ही y बराबर क्या हो जाएगा a sin थीटा। तो यही आपके समीकरण आगे भाई, यही समीकरण आगे प्राचलिक रूप में। ये देखिए अगर इस प्रकार का वर्त आपको दिया है, नंबर एक कंडीशन लगा सकते हैं, अगर वर्त मूल बिंदु से गुजरता है तो जो प्राचल है इसके प्राचल होंगे x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। इसी के दूसरा देखिए, अगर इस प्रकार दे दें x माइनस एच की होल स्क्वेयर प्लस का y माइनस k की होल स्क्वेयर बराबर r स्क्वेयर, अगर ये दे दें तो यहाँ पर देखिए
एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस के, ये पूरा आपको लेना है। तो देखिए एक्स माइनस एच की जगह क्या बनेंगे आप, ए कोस थीटा या फिर आर कोस थीटा, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर आर त्रिज्या ली है तो आर कोस थीटा मान लो, क्योंकि रेडियस लेनी है आपको तो आर कोस थीटा। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ गया एच प्लस का आर कोस थीटा। ऐसे ही वाई माइनस के की जगह क्या मानेंगे आर साइन थीटा, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा k प्लस का r साइन थीटा, दोनों चीज़ें आ गई। तो देखिए ये प्राचल है आपकी, ये इन चीज़ों का प्रयोग करना है प्राचल रूप में दे, तो ऐसे आपको वैल्यूज निकालने हैं। अभी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा तो आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। और तीसरा जो चीज़ आपकी रही है वही व्यापक रूप में समीकरण वाला, ठीक है। नंबर तीन पर देखिए बात करते हैं हम व्यापक रूप में, व्यापक रूप में समीकरण नंबर तीन। तो देखिए व्यापक रूप में क्या समीकरण था भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का टू जी एक्स प्लस का टू एफ वाई प्लस का सी बराबर जीरो, ये था आपका व्यापक रूप में समीकरण। अब व्यापक रूप में समीकरण वही सेम टू सेम चीजें, देखो यहां पर क्या बनेगा इसकी होल स्क्वेयर, हमने मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताई थी किस प्रकार x प्लस जी की होल स्क्वेयर प्लस का y प्लस के की होल स्क्वेयर बराबर क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जी स्क्वेयर प्लस का एफ स्क्वेयर माइनस का c, इसका अंडर रूट कर दो और इसकी स्क्वेयर कर दो, यही तो बचा था। यहाँ से देखिए आपको तो निकालना है, अब इसकी जगह प्राचल निकालना है तो x प्लस जी की जगह, x प्लस जी की जगह क्या मानोगे r cos थीटा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह क्या गया माइनस का g, देखो माइनस का हो जाएगा माइनस का g प्लस का r cos थीटा। ऐसे ही y की जगह क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे तो क्या होगा माइनस का k प्लस का r sin थीटा। तो ये आपके प्राचल आ गए, देखो बस ये चीज़ें याद रखनी है। देखो अगर व्यापक रूप में दे तो माइनस g लगाना है और बाकी दे तो k यहाँ पर लगाना है, देखिए k प्लस r sin थीटा। तो इस प्रकार आप चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, देखो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बस यही फॉर्मूले हैं। आप देखो क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट, लिख लो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो। ठीक है अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार दिया है कि वर्त आपको दिया है, वर्त एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का छ एक्स बारह बराबर जीरो के प्राचलिक समीकरण ज्ञात करो, के ठीक है सीधा सा क्वेश्चन दे दिया और इसके प्राचलिक समीकरण आपसे पूछे हैं कि इसके प्राचलिक समीकरण क्या होंगे वो आपको ज्ञात करने हैं। बहुत सिंपल है, कैसे देखो जो बन रहा है देखिए किस रूप में है, व्यापक रूप में है, तो यानी यहाँ पर आप केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। केंद्र के निर्देशांक देखिए कैसे निकलेंगे सब जानते हैं, कैसे देखो माइनस जी माइनस एफ की वैल्यू निकालनी है, माइनस जी माइनस एफ का मान ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा देखो, यानी जो एक्स का गुणांक है उसको दो का भाग देंगे तीन और माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का तीन, वाई का गुणांक है दो का भाग देंगे माइनस का दो और माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का। तो ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। तो समीकरण में क्या दिक्कत है देखो क्या होता है, चूंकि प्राचल समीकरण क्या होता है एक्स बराबर माइनस का जी प्लस का आर कोस थीटा। तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर देखो ये माइनस जी माइनस एफ तो है, तो सीधा आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है और कुछ नहीं है। तो देखो x बराबर क्या आ गया माइनस का तीन प्लस का r की जगह देखिए क्या आएगा r, पहले r भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि r क्या होता है अभी अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस का एफ स्क्वेयर माइनस का c, ठीक है जी स्क्वेयर का मान देखिए 9 हो गया, स्क्वेयर करेंगे तो प्लस हो गया, ये हो गया 4
ठीक है, तो देखिए जोड़ देते हैं साथ साथ में, जी स्क्वेयर तो 9 और ये प्लस का 4 और माइनस सी का मान, देखिए सी का मान ये रहा आपके पास 12, सी का मान कितना है 12 हो गया, माइनस का 12 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो देखिए 12 और 4 16, 16 और 9 25 हो गए और रूट 25 के अंदर बाहर निकलेगा तो 5 आएगा, तो ये 5 आपके पास आर का मान आ गया, तो 5 कोस थीटा। ऐसे ही आप ये निकाल सकते हैं वाई बराबर क्या होगा माइनस का के प्लस का आर साइन थीटा, ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे तो वाई माइनस के इतना है, देखो ये माइनस के की जगह है जी, सॉरी एफ आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो ये माइनस एफ की जगह ही है जो रिजल्ट आया है, तो ये सीधा आप दो लिखेंगे, 2 प्लस का 5 साइन थीटा, तो ये आपके पास समीकरण आ गए प्राचल रूप में, ठीक है समझे बात को, ये प्राचल रूप में आपके पास समीकरण आ गए, वेरी सिंपल है, बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, नहीं है तो समझे ना बात को, देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, रेखा आपको दी है, रेखा x बराबर 1, रेखा x बराबर 1, x बराबर 5, x बराबर 1, x बराबर 5 तथा y बराबर 4 को, तथा y बराबर 4 को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, देखो जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है सबसे पहले देखिए आपको दिया है रेखा x बराबर 1 और x बराबर 5, तो सबसे पहले देखिए ये आपका हो गया, जो चीज़ें दे रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो x बराबर 1 यहाँ पर होगा तो लगभग यहाँ से आपने एक रेखा खींच दी, ठीक है दूसरा कहता है x बराबर 5, तो x बराबर 5 मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है और एक y बराबर 4 को स्पर्श करने वाले वृत्त का आपको समीकरण निकालना है, y बराबर 4 को, अब y बराबर 4 को एक वृत्त लेंगे, देखिए इस प्रकार हमने सर्किल लिया है, पहले तो इनको स्पर्श कर रहा है इस प्रकार, ऐसे इनको स्पर्श कर रहा है, ठीक है एक यहाँ पर y बराबर 4 पर यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, ये क्या है y बराबर 4, ये क्या हो गया x बराबर 1 और ये x बराबर 5, अब देखो स्पर्श कर रहा है तो y बराबर 4 ऊपर भी स्पर्श करेगा, सीधी सी बात है, एक तो यहाँ स्पर्श कर रहा है y बराबर 4 ऊपर वाले पर तो भी स्पर्श करेगा, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं एक और वृत्त, ठीक है तो ये आपके दो सर्किल बन गए, अब कहाँ है कि इनके समीकरण आपको ज्ञात करने हैं, अब समीकरण ज्ञात करने हैं तो समीकरण ज्ञात करने के लिए साफ साफ बताएं मुझे, एक तो आपको केंद्र निकालना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा, दूसरी त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी, तो दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पर त्रिज्या कैसे निकलेगी पहले ये बता देता हूँ मैं, त्रिज्या निकलेगी त्रिज्या बराबर 1/2 समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, 1/2 समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी त्रिज्या होगी, देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, पहले मैं त्रिज्या ज्ञात करता हूँ, त्रिज्या होगी 1/2 इंटू समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, ठीक है अब देखो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या आएगी, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 2 का भाग देंगे, तो r का मान तो आपके पास आ गया कितना 2 आ जाएगा, अभी r का मान तो 1/2 और इंटू में 4, 4 कौन सा है ये 5 माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हैं आप दूरी सूत्र लगाकर, तो देखिए यहां पर आपके पास r का मान है वो बच जाएगा 2, ठीक है r बराबर 2 आपके पास आ गया, यानी ये दूरी आप कह सकते हैं कि 2 है, तो 2 है तो एक तो पॉइंट आपके पास ये 2 आ गया, और एक देखिए यहां पर एक पॉइंट x बड़ा माने तो मध्य बिंदु है बिल्कुल, इन दोनों का मध्य बिंदु देखिए 1 और 5
भाग देंगे दो का यानी तीन, तो एक मध्य बिंदु आपका ये आ गया, तो एक तो आपका 3.2 ये केंद्र बन गया। देखो समझे बात को, क्या ये त्रिज्या थी, तो यानी ये पॉइंट आपका दो है, देख सकते हैं आप आराम से। क्यों? क्योंकि देखिए ये चार है और ये इतनी दूरी दो है, तो देखिए मध्य बिंदु कहाँ पर आएगा, दो पर ही तो आएगा। ये ऊपर वाली भी, ऊपर वाली चार है और यहाँ पर इतनी दूरी दो है, तो ये मध्य बिंदु दो आया, तो वाई का मान यहाँ पर दो ही तो होगा, यहाँ चार होगा और ऐसे ही आगे जाएगा तो दो यहाँ पर होगा, तो यानी वाई का मान यहाँ पर छः होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये पूरे पर देखिए क्या है, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया 3.2 और ऊपर देखिए 3.6 आपके पास हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जो सेंटर पॉइंट है, तो ये तो वैल्यू तो आपके पास तीन ही रहेगी, तो 3.6, तो दोनों दो केंद्र आगे दो वर्त बने हैं, तो केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र एक तो हो गया 3.2 तथा 3.6। समझ गए ना ये बात को, दोबारा सुन लो नहीं आया तो। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो देखो ये केंद्र है, इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, सीधी सी बात है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु आप लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी x बराबर एक है, यहाँ भी x बराबर पाँच है, सीधी सी बात है, x बराबर एक और x बराबर पाँच है, इन दोनों का आप मध्य बिंदु लेंगे तो तीन आएगा भाई, माइनस तीन नहीं है, तीन है, तीन आएगा, सीधी सी बात है। अब देखो ध्यान से, ये त्रिज्या दो है, तो यानी इतनी दूरी दो है और ऊपर वाली भी दो है, तो यानी यहाँ से y का मान यहाँ पर कितना होगा, दो होगा, तो 3.2, और ऐसे ही ये चार हो गया, ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो दो का फर्क फिर आएगा, देखो त्रिज्या दो यहाँ पर फिर होगी, तो ये दो है, तो ये कितना हो गया, दो चार और दो छः, तो 3.6, तो ये आपके पास केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई, तो वृत्त का समीकरण आप निकाल सकते हैं। वृत्त का समीकरण कैसे, जब 3.2 आप ले रहे हैं और r बराबर 2 आपने लिया है, तो देखिए कैसे होगा, x माइनस h की स्क्वेयर, तो x माइनस h यानी माइनस 3 की स्क्वेयर प्लस का y माइनस k की स्क्वेयर बराबर r स्क्वेयर, तो यानी 4। ठीक है, और k की जगह क्या है, देखो 2। अब आप इसे आगे ओपन कर भी सकते हैं, देखिए क्या x स्क्वेयर प्लस का 9 यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का 4 माइनस का 4y बराबर 4, तो 4 से 4 ये 4 कैंसिल हो गया, तो जो अब बचा है उसे लिख देते हैं, क्या बचा है, देखो x स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर माइनस का 6x माइनस का 4y प्लस का 9 बराबर 0, एक समीकरण तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा ऐसे ही दूसरा आ जाएगा, क्या दूसरे में क्या लिखना है आपको, इस बार 3.6 ले लेना है, 3.6 तथा r बराबर कितना है 2, तो वही सेम टू सेम, क्या x माइनस 3 की स्क्वेयर प्लस का y माइनस 6 की स्क्वेयर बराबर 4, इसको ओपन कर लो, वही सेम टू सेम रिजल्ट, यहाँ पर जो समीकरण आया है ऐसा ही समीकरण यहाँ पर भी बन जाएगा, तो दोनों आपके पास इक्वेशन बन जाएंगे, तो लिख लो इसको फटाफट। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रेखा व वृत्त का प्रतिच्छेदन, यानी एक स्पर्श प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबंध आएगा, सॉरी प्रतिबंध आएगा कि ये अगर मान हो तो ये रेखा का प्रतिबंध है, रेखा वृत्त को स्पर्श करती हो जाएगी, ये प्रतिबंध निकालना है। और एक चीज़ आपको शॉर्ट में भी आपको बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, यानी ये भी चीज़ आप कर सकते हैं और जो शॉर्ट बताऊँ वो भी कर सकते हैं, शॉर्ट से बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा, लेकिन चीज़ें दोनों ही आसान है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब देखिए रेखा व वृत्त का ज़्यादा मैथमेटिकली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, उनमें करेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे भैया, प्रूफ ज़्यादा करेंगे ना इनके तो लंबे हो जाएंगे। रेखा व वृत्त का प्रतिच्छेदन, रेखा व वृत्त का प्रतिच्छेदन यानी इंग्लिश के अंदर कहेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। रेखा है, रेखा हमने मान लिया, देखो एक तो रेखा आपने ले ली,
रेखा का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस का सी। सी क्या है, जो अंतःखंड वाई एक्स पर काटता है वो अंतःखंड है। वर्थ हमने मान लिया तथा वर्थ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, ठीक है। अब आपको यहां से ये मान y का मान यहाँ रखना है, ठीक है। देखो क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो सीधी सी बात है ये y का मान इस सर्किल को भी संतुष्ट करेगा, सीधी सी बात। दोनों पर जहाँ भी ये टच करेंगे तो वहाँ पर एक बिंदु तो ऐसा जरूर होगा y बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे तो इसके अंदर हम रख देंगे और वहाँ से आपके पास सी का मान आ जाएगा। और सी का मान ही क्या है, प्रतिबंध। सी का मान ही क्या है, स्पर्श प्रतिबंध है। तो थोड़ा सा हम इसको प्रूफ करते हैं फिर आगे और बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु है तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु, आप निकाल सकते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। तो देखिए रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर की जगह क्या रखना है भाई, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी की स्क्वेयर और बराबर क्या है ए स्क्वेयर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ओपन कर लेते हैं, देखो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस का एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर प्लस का टू एम एक्स सी बराबर है ए स्क्वेयर। बोलो कहाँ दिक्कत है, यही तो आएगा। ए को आप इधर ले आए, बराबर हो गया जीरो, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप इसे आगे और देख सकते हैं। एक्स वाले पदों को एक जगह कर लेते हैं, एक्स यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे और आगे आपका चीज़ें पड़ी हैं। तो ये दोनों पदों को जो एक्स स्क्वेयर का पद है द्विघात रूप में हम समीकरण बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो वन प्लस का एम स्क्वेयर प्लस का टू एम सी एक्स, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट है तो सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर बराबर जीरो। अब देखिए ये क्या है, ये वर्थ का द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखिए एक्स के पदों में द्विघात समीकरण है तो अतः रेखा है वो वर्थ को दो बिंदुओं पर टच करेगी। देखिए स्वाभाविक सी बात है, कोई रेखा है इस प्रकार आप ले रहे हैं तो सीधी सी बात है वो दो बिंदुओं पर वर्थ को टच करती है तो दोनों बिंदु आपके आ जाएंगे। कोई रेखा है वो वर्थ को दो बिंदुओं पर टच करती है, देख सकते हैं आप, तो दोनों बिंदुओं पर टच करेंगी। तो यहाँ से आप लाइन लिख सकते हैं कि एक्स में द्विघात समीकरण है, एक्स में द्विघात समीकरण है, समझिए ना बात को, समीकरण है, अतः रेखा वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, दो बिंदुओं पर अतः रेखा वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। और एक चीज़ हम देखिए पढ़ते आए हैं कि अगर रेखा है वो वर्त को स्पर्श करेगी तो उसके क्या है, मूल समान होंगे, यानी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्या कि एक्स में द्विघात समीकरण है अतः रेखा, देखिए ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, रेखा वाई, ये चीज़ें नॉर्मल जानते हैं हम, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तथा वर्त, ये दो लाइन आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। आपको मेन चीज़ है जो मान आपको याद रखना है। अब ये इसकी स्पर्श रेखा होगी कि स्पर्श रेखा होगी यदि, देखिए जो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी है बराबर जीरो हो, ये चीज, ये प्रतिबंध आपको याद रखना है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। अब देखिए यहां से ये चीजें हम यूज करते हैं, समीकरण देखिए ये है आपके पास, यहां से चीजें हम लगानी है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। ज्यादा प्रूफ पर आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, उससे आपके चीज़ें फटाफट आएंगी। तो देखिए बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वेयर यहाँ पर क्या है, टू एम एम सी, टू एम सी है, तो यानी इसका करेंगे तो फोर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह क्या आ गया, फोर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस का फोर ए सी, तो माइनस का फोर ए क्या है, ए की जगह है वन प्लस का एम स्क्वेयर और सी की जगह देखिए क्या है, ये पूरा देखिए जो आपका कॉन्स्टेंट पद है ये पूरा का पूरा आपका यहां पर आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। अब थोड़ा सी इसे सोल्व कर सकते हैं, फोर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस का फोर एम स्क्वेयर
और देखिए साथ में गुणा भी करवा सकते हैं, देखो साथ साथ में गुणा करवाओ इनको, साथ साथ में गुणा करवा लो दोनों को ही। तो देखो इसको कराएंगे तो पहले क्या आ गया माइनस का फोर सी स्क्वेयर, फिर इसका देखिए माइनस फोर और इसका कराएंगे एक के साथ तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का फोर ए स्क्वेयर, फिर देखिए माइनस का फोर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर और ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया फोर एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर बराबर जीरो, इससे ये आपका कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें बची हैं उनको देखो, आपको सी का मान निकालना है तो देखिए फोर सी स्क्वेयर यहाँ रख लीजिए, फोर सी स्क्वेयर बराबर फोर ए स्क्वेयर और प्लस का फोर एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, फोर से फोर सभी में कैंसिल, सी स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर कॉमन आ गया वन प्लस एम स्क्वेयर, ठीक है। ये प्रतिबंध आ गया आपका सी का, तो सी का मान क्या आ गया प्लस माइनस का ए और अंडर रूट के अंदर वन प्लस एम स्क्वेयर, बस ये मान आपको याद रखना है भाई, क्या है सी बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर, क्या है शहबाज सी बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर, ये समीकरण देखिए संतुष्ट करेगा तो सीधे तौर पर ये बिंदु आप रख सकते हैं स्पर्श प्रतिबंध है, ये रेखा का वृत्त को स्पर्श करने का प्रतिबंध है, ये स्पर्श प्रतिबंध लिख सकते हैं आप, स्पर्श प्रतिबंध लिख लो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, तो ये तो हो गया स्पर्श प्रतिबंध। तो इस हिसाब से रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, फिर रेखा का समीकरण बता दो मुझे, रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी था, c की जगह ये रख दो y बराबर एम एक्स, सी की जगह क्या आएगा प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस का एम स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये तो आपने निकाल लिया, अब जो स्पर्श बिंदु है जो जहां पर रेखा दो बिंदुओं पर टच करेगी सीधी सी बात है, तो वो दो बिंदु क्या होंगे, दो स्पर्श बिंदु क्या होंगे जिसमें x और y के जो मान आएंगे वृत्त को कहां किन बिंदुओं पर, ये तो प्रतिबंध था कि वो स्पर्श करेगी या नहीं करेगी, ये मान निकाल कर आपको रखना था। लेकिन इसके अलावा देखिए जो आपको बिंदु निकालने हैं कि कहां पर स्पर्श करेगी, तो वो बिंदु आपको याद रखने हैं, सीधे प्रूफ भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये आपने वृत्त का समीकरण पढ़ा था, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर वर्ट था, यहाँ से ये वाई का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, वाई का मान यहाँ पर रख दिया तो ये एक्स के पदों में बढ़ गई, एक्स के पदों में बढ़ गई, एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान आपके पास माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर आएगा, ये स्पर्श बिंदु है, ये क्या है आपका स्पर्श बिंदु ए एम, सॉरी ए एम है। और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं आगे वाला भी, y का मान भी ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार y का मान इस बार y का मान रख देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा तो a प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो ये दोनों बिंदु आपको याद रखने हैं। क्या आगे स्पर्श बिंदु, देखो जो स्पर्श आपको बिंदु ज्ञात करने हैं, स्पर्श बिंदु बस ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, माइनस प्लस ए एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये तो रहा लॉन्ग मेथड वाला। अब देखो शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं कैसे समझाता हूं, ठीक है। अब देखो शॉर्ट तरीके में, अब ध्यान से देखना, ये तरीका आप याद कर लेना लेकिन जो शॉर्ट तरीका है वो बेस्ट रहेगा। देखो ये आपके पास क्या है, सर्किल, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है आपकी, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है सेंटर पॉइंट है, जो भी बिंदु आप माना चाहें एच कोमा के मान सकते हैं। यहां से ये दूरी क्या है भाई, लंब डाल दिया आपने यहां पर, और ये भी साथ में क्या होगी, त्रिज्या होगी वृत्त की, क्योंकि प्रदीप को मिला रहे हैं तो त्रिज्या होगी। अब देखिए यहां से स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या हो सकता है, देखो केंद्र से इस रेखा पर अगर मैंने, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी रेखा है और ये वर्त आपका एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, ध्यान से देखना
केंद्र से, वर्थ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर किसके होगी? त्रिज्या के। ध्यान से सुनो, देखो ये यही प्रतिबंध है, यहीं से मान आएंगे। देखो वर्थ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, वर्थ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होनी चाहिए त्रिज्या के। ये बात मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या रेखा वर्थ की स्पर्श रेखा होगी? रेखा वर्थ की स्पर्श रेखा होगी, रेखा वर्थ की स्पर्श रेखा होगी यदि वर्थ के केंद्र से, यदि पोर्टल लगा लेना, वर्थ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, वर्थ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर किसके? त्रिज्या के। त्रिज्या किसकी? वर्थ की है भैया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं अभी, प्रैक्टिस करेंगे फुल। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लीजिए इसका। अब देखो क्वेश्चन करते हैं सीधे तौर पर, अपने टॉपिक हो गए हैं जो समझाने वाला था आज की क्लास का मैटर, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिख लो इसको थोड़ा, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है रेखा 3x प्लस का 4y प्लस लैम्डा बराबर 0, वर्थ एक्स स्क्वेयर प्लस वर्थ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 9 की स्पर्श रेखा हो तो, कि हो तो बताना है आपको कि लैम्डा बराबर कितना आएगा, ठीक है। इसकी स्पर्श रेखा है तो आपको लैम्डा बराबर बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जो तरीका मैंने आपको बताया था स्पर्श प्रतिबंध वाला, वो चीज़ आप ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पर्श रेखा का लैम्डा का मान आपको निकालना है, लैम्डा का मान आपको निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 4y माइनस का 3x माइनस का लैम्डा, 4 का भाग दे दें, वाई बराबर माइनस का 3y लैम्डा एक्स और माइनस का लैम्डा वाई, लैम्डा नहीं 4, 3/4 और माइनस लैम्डा बाई 4। देखो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में बन गया, यहाँ पर m का मान तुलना करेंगे। देखो इससे y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम तुलना करें तो m का मान कितना आ गया, माइनस का 3/4, और c का मान कितना आ गया, माइनस का लैम्डा बाई 4। अब एक c बराबर प्रतिबंध आपने पढ़ा था, क्या था c बराबर, चूंकि स्पर्श प्रतिबंध आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला c बराबर, बताओ याद करो इन चीज़ों को, याद करना है इन चीज़ों को। क्या प्रतिबंध बताया था मैंने, सी बराबर प्लस माइनस अंडरूट, देखो शाबाश बोलो, सी बराबर प्लस माइनस ए इंटू अंडरूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, सी बराबर प्लस माइनस ए अंडरूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, ठीक है। अब सारे मान रख दो, सी की जगह क्या रखना है, लैम्डा का मान याद करना है, तो सी का स्पर्श प्रतिबंध देखो माइनस लैम्डा बाई 4 बराबर प्लस माइनस ए की जगह देखो क्या आएगा, ए क्या है,
ये क्या होता है वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी है देखो, नौ ये दे रखा है, नौ त्रिज्या नहीं है, भूल मत कर देना, ये स्क्वेयर के रूप में है तो तीन की स्क्वेयर नौ है, तो यानी ये तीन का तीन की तीन त्रिज्या हो जाएगी, तीन का स्क्वेयर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी तीन, अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वेयर प्लस एम, एम का मान कितना है माइनस का तीन बटा चार, तो इसकी स्क्वेयर करेंगे तो नौ बटा सोलह, ठीक है, माइनस का लैम्डा बाई फोर बराबर प्लस माइनस थ्री, सोलह और नौ पच्चीस, ऊपर आ गया पाँच और नीचे बच जाएगा चार, इंटू में पाँच इंटू चार, ठीक है, चार से चार देखिए कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा का मान देखिए कितना जाएगा, देखो माइनस इधर जाएगा तो ये हो गया माइनस प्लस पंद्रह, लैम्डा का मान कितना आ गया माइनस प्लस पंद्रह, तो ये लैम्डा का मान आ गया। ये तो रहा जो तरीका हमें स्पर्श प्रतिबंध वाला है, लेकिन मैंने एक आपको बताया था वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होगी त्रिज्या के, बराबर होगी त्रिज्या के, तो उससे भी बहुत आसान ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अभी हम करते हैं, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ अब मैं, एक तरीका तो ये हो गया, और कर लीजिए। देखिए वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र क्या है देखो साफ साफ दिख रहा है, 0.0, 0.0 से स्पर्श रेखा कौन सी है, ये रही स्पर्श रेखा पर, ये से 3x प्लस का 4y प्लस लैम्डा बराबर 0 पर लंब डालना है, पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई। अब देखो लंब की लंबाई निकालना आपको आता है क्या, ये रेखा ऊपर सेम टू सेम लिखी जाती है मापांक के अंदर, और जो बिंदु दिए होते हैं वो बिंदु गुजारने हैं, तो x किस गए 0 तो 0 हो गया, यहाँ 0 तो ये 0, बचेगा क्या ऊपर केवल मात्र लैम्डा, यानी सीधे तौर पर लिख सकते हैं 0 प्लस का 0 प्लस लैम्डा, क्योंकि दोनों 0 हो गए ना, x के मान रखने होते हैं। नीचे क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 4, तो ए स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर प्लस का 4 का स्क्वेयर बराबर किसके होगा त्रिज्या के, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, ये हो गया आपका देखो 9 और 16 25, 12 आएगा 5, लैम्डा बराबर 5, और देखो मापांक हटाएंगे, देखो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम यहाँ से मापांक हटाते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 15 मापांक हटाते ही बराबर 3। अब ये चिन्ह इधर ले जाएंगे तो ये चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे और लैम्डा बराबर माइनस प्लस बराबर 15, और ये मान और ये मान में कोई चेंज है क्या, नहीं। और ये तो देखो मान लीजिए दो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये यहाँ पर देखो कोई जोर ही नहीं आया, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप करना, फिर एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको करना है, नोट्सों के अंदर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन और भी मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि सारे क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं होते, तो मैं नोट्सों के अंदर और भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन है देखिए इस प्रकार आपके सामने, रेखा एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस एन बराबर 0 तथा वर्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, दो नंबर समीकरण ये दे दो, ठीक है, किस स्पर्श रेखा हो। देखिए ये क्या है, ये रेखा स्पर्श रेखा है कि स्पर्श रेखा है तब सत्य है, ऑप्शन आपको दिए हैं इस प्रकार एल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस का एन स्क्वेयर एम स्क्वेयर, दूसरा ऑप्शन दिया है एन स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस का एम स्क्वेयर, ठीक है, सीधे तौर पर है स्पर्श रेखा है तो कौन सा सत्य होगा, हमें तो स्पर्श प्रतिबंध लगाना है, कौन सा स्पर्श प्रतिबंध होगा, देखिए या तो वो सी वाला लगा लीजिए या फिर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई बराबर होगी त्रिज्या के, वो लगा सकते हैं, तो देखिए वही लगाते हैं। यहां से देखो केंद्र क्या है 0.0, तो लंब की लंबाई हम निकाल सकते हैं, लंब की लंबाई कितनी आएगी 0.0, इसमें से गुजार देंगे तो देखो बचेगा क्या ऊपर एन बचेगा, नीचे अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है तो एल स्क्वेयर प्लस का एम स्क्वेयर, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, बता चुका हूं पहले सारे, और बराबर किसके त्रिज्या के, त्रिज्या कितनी है ए, ठीक है। यहां से देखिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आएगा,
मापांक हटा सकते हैं, अंडरूट एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर बराबर ए, यहाँ से स्क्वेयर कर दीजिए दोनों की, दोनों की स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ गया एन स्क्वेयर, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ए स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस का एम स्क्वेयर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है रेखा आपको दी है x 4x माइनस का 3y बराबर 5 तथा वर्त आपको दिया है वर्त x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 3x, x स्क्वेयर प्लस का y स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस का कितना दिया है माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं, के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो। अब देखो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं प्रतिच्छेद करेगा तो यहां से अगर आप x का मान रखते हैं तो वो इस चीज को संतुष्ट करेगा, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए और इसको संतुष्ट करेंगे तो y का मान आ जाएगा, फिर ऐसे ही x का मान आ जाएगा, तो यानी दोनों बिंदु आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास आ जाएंगे या स्पर्श बिंदु भी आपके पास आ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं आप। तो देखिए क्या आएंगे, या फिर वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस ए एम बटा रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, और एक बिंदु क्या जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट वन प्लस का एम स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से सीधे तौर पर आप निकाल सकते हैं ना अम का मान, अम क्या है प्रवणता, तो यहाँ से प्रवणता क्या होती है माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, तो देखिए अम का मान यहाँ पर आ गया 4/3, ठीक है, और क्या निकालना है ए का मान, ए त्रिज्या है तो त्रिज्या यहाँ से निकाल सकते हैं जी स्क्वेयर प्लस का एफ स्क्वेयर माइनस का सी अंडरूट लगा दीजिए, जी का मान देखिए कितना होगा 3/2 की स्क्वेयर, एफ का मान देखिए कितना होगा माइनस का 1 है, माइनस 1 स्क्वेयर करेंगे तो 1/2, यानी 1/2 की स्क्वेयर करनी है तो 1/2 की स्क्वेयर हो जाएगी, माइनस यहाँ पर लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस सी का मान कितना है ये रहा 10 तो प्लस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और अंडर रूट अब देखो 9/4 यहाँ पर ये आ गया प्लस का 1/4 आ गया प्लस का 10 आ गया अंडर रूट, अब देखो 4 इधर लघुत्तम आ गया, ये आपके पास कितना बच गया 4 लघुत्तम लेंगे तो अंडर रूट 50 अपॉन में 50 ही बचेगा क्या, तो ये भी तरीका लगाकर यहाँ पर आप स्पर्श बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, जो भी रेडियस आई देख लेना तो आपके पास बिंदु आ जाएंगे, और ऐसे ही दूसरा तरीका कौन सा, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ से सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, स्पर्श बिंदु आपके पास आ जाएंगे और वही आपको निकालने कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, दूसरा तरीका कौन सा कह रहा हूँ मैं आपको, दूसरा तरीका देखिए यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान देखो कितना आएगा 5 प्लस का 3y अपॉन में 4, ये x बराबर आ गया, अब ये x का मान इस समीकरण के अंदर रख दो, देखो रखेंगे तो साफ साफ आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो 5x प्लस का 3y अपॉन में 4 की स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और x की जगह आगे और भी x है तो वहाँ पर भी आपको रखना है प्लस 3 5 प्लस 3y बराबर 4, ठीक है, माइनस का वाई माइनस का 10 बराबर 0। अब देखिए ये वाई में द्विघात समीकरण बन जाएगा, वाई में द्विघात समीकरण बन जाएगा और इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाएंगे, आगे सोल्व कर लेना थोड़ा, प्रतिच्छेदी बिंदु दो आएंगे, देखो द्विघात समीकरण बन गया तो दो आपके पास प्रतिच्छेदी बिंदु आगे आ जाएंगे, तो आप खुद ही इस चीज़ को कर लेना, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं कैसे करना है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बताऊँ क्या रिजल्ट उत्तर बता देता हूँ, प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा आएंगे, एक तो आएगा -1, -3 और एक आएगा आपके पास तथा 2, 1। अब यहाँ से y का मान निकालना है, y का मान निकाल कर x का निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर रख दो y का मान x का आ जाएगा, ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया क्या, अब देखो आगे और बढ़ते हैं,
क्वेश्चन दिया है सरल रेखा, सरल रेखा x बटा a प्लस का y बटा b बराबर एक तथा वर्त दिया है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर की स्पर्श रेखा है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई कि स्पर्श रेखा है, तब आपको ऑप्शन बताना है कौन सा। अब ये खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, सेम वही तरीका है, कोई फर्क ही नहीं है इसके अंदर तो। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, खुद करेंगे। वही सेम टू सेम तरीका, वही वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या के होगी, वही चीज यूज करनी है और उसी से आपका रिजल्ट आएगा और ये ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लगभग क्वेश्चन हो गए हैं, ये टॉपिक आपका हो गया है। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें और भी हैं वर्त के अंदर, एक दो क्लास और होगी, फिर ये अपना वर्त कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रवल्य, फिर अति प्रवल्य, इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह की और नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।